जम्मू कश्मीर चुनाव में सीएम योगी का विपक्ष पर करारा प्रहार, आतंकवाद और भ्रष्टाचार पनपाने में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का हाथ, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहा है विकास। हरियाणा के रेवाड़ी से अमित शाह का राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक, बोले राहुल बाबा सिर्फ एमएसपी रटने से वोट नहीं मिलेगा, सेना का अपमान करने वाले अग्निवीर पर भ्रम फैला रहे हैं। हरियाणा के चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 13 नेता 6 साल के लिए सस्पेंड किए गए, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। इंडिया टीवी चुनाव मंच पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, मोदी जी 74 साल में तीसरी बार पीएम बन सकते हैं, किसान का बेटा 4 साल में रिटायर क्यों हो जाए। संजय सिंह बोले हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर पहुंचे हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, बोले बीजेपी की हैट्रिक पक्की, कांग्रेस के झूठ का जवाब हरियाणा की जनता देगी, आम आदमी पार्टी को एंटरटेनमेंट बताया। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव में बीजेपी की जीत, दक्षिण दिल्ली के पार्षद सुंदर सिंह निर्विरोध जीते, आम आदमी पार्टी ने किया बहिष्कार। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, त्योहारी सीजन को देखते हुए 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए, छठ पूजा और दीपावली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच मंजूर।